वो हेलो डेडूज, तुम लोग कैसे हो? तू यार, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या वॉल्ट मतलब क्यों नहीं था, मतलब एपिसोड जहाँ पे लुई और लिंक की लड़ाई हो रही एपिसोड 15 में, और यार बाकी बहुत सारी जो मैंने थ्योरी निकाली वो आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार जो वॉल्ट है वो मेन कैरेक्टर नहीं है, इसलिए वो नहीं है, ये तो सबको ही पता होगा क्योंकि सब जीनियस है आजकल। तो यार मैं और एक बात जो बताने वाला हूँ जिससे आप लोग हैरान हो जाओगे कि जो शू है उसने ही ऑर्डर दिया था लेन को लुई से लड़ने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो मतलब देखो है, जो मतलब लेन है वो सिर्फ उसके राइवल्स को, शू के राइवल्स को ही चैलेंज देता है, जैसे लुई। अभी लुई क्यों मतलब वो हिकारु हाइगुआ को भी लेन दे सकता था, मतलब हिकारु हाइगुआ को भी चैलेंज देता था, बट उसने लुई को ही दिया। क्यों? क्योंकि वो शू का राइवल था। तो शू ऐसा कहा जाता है कि शू ने जरूर उसे कहा होगा कि तुम मेरे राइवल्स को मार दो, यानी कि मतलब से मतलब हराओ। और जो लुई है उसे बहुत चिढ़ाता है शू को, और हमें बिल्कुल सीजन 1 में भी यही दिखाया गया था जब शू वर्सेस लुई हुआ था, तो शू बहुत निराश से गया था। तो मुझे लगता है वो राइवल के हिसाब से उसे मानता है। तो यार लेन को उसने बताया होगा कि ये मेरा राइवल है, तो लेन ने सोचा होगा कि मैं इसके जो शू के जो मेरे मास्टर के जो मास्टर का जो राइवल है उसे मतलब हराऊंगा। तो ऐसा हो सकता है कि शू ने तो कहा होगा कि तुम ऐसा करो। और फिर आता है पाय, जो हमने मांगा में देखा था, कोड़कोड़ा मांगा में जो पाय है वो वापस आ चुका है। तो या ऐसे कहा जा सकता है कि पाय जो है वो शू के लाया है। क्यों? क्योंकि जो लेन है वो सिर्फ शू के राइवल्स को ही मतलब क्या कहते हैं उसे, शू के राइवल्स को ही मतलब बैटल के लिए चैलेंज कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि पाई ने जैसे शू का बेबी तोड़ा था, इसलिए लेन भी उसे लड़ेगा, और इसीलिए पाई का रिटर्न हुआ है, और जो पाई है वो शू के लिए रिटर्न हुआ है, क्योंकि जो शू का बेबी पाई ने तोड़ा था, और पाई का मतलब जो पाई ने जो शू का बेबी तोड़ा था उसकी वजह से जो लेन है उसने लेन हो सकता लेन हो सकता है कि यार पाई को चैलेंजेस जो पो वापस आए। तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि लेन चैलेंज दे सकता है वॉल्ट को। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे पाई पाई शू का राइवल है, लुई शू का राइवल है, वैसे वॉल्ट भी एक अच्छा राइवल है लुई मतलब शू का। तो वॉल्ट जो राइवल है शू का, तो ऐसा हो सकता है लेन वॉल्ट को भी चैलेंज दे, क्योंकि वॉल्ट और शू बहुत अच्छे राइवल से बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है कि वो अच्छे दोस्त है इसलिए वो चैलेंज नहीं भी दे सकता है, पर इसके 50-50 चांस है कि वॉल्ट को चैलेंज दे सकता है नहीं भी दे सकता है। तो लास्ट में है एकदम जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, जो है लेन ने उसका बीबलेट अपग्रेड किया लूसीफर को जो 17 में था। हमने कुछ ऐसे सीन्स देखे थे जब उसने अपने बीबलेट को रिपेयर कर रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ अलग अलग सी पावर उसने दी हो। मुझे नहीं पता कि यार कितनी अलग अलग पावर उसने दी होगी, मतलब कुछ अलग मतलब उसका थोड़ा सा रिपेयर क्या होगा लूसीफर को। तो यार ऐसा ही कुछ मैंने थ्योरी बताने के लिए आपको यह वीडियो बनाया था। तो अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर ही दो, बेल आइकन को क्लिक करके घंटा भी मतलब पूरी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो, और साथ में फुल वीडियो देखना क्योंकि रेगुलर वीडियोस देखना, क्योंकि हम रेगुलर ऐसे वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। और यार अगर बेब्लेड के फैन हो तो मेरे वीडियोज़ तो रेगुलर ज़रूर देखोगे। तो यार और क्या, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिस्मिल्लाह, खुदा हाफिज़।